में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां है वह सही ढंग से उसका उपयोग होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। कई लड़के बहुत ही होशियार होते हैं पढ़ने में, लेकिन दूसरी जो होती है वजह उनमें वह बहुत ही कमजोर होते हैं। सच्ची शिक्षा परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना वही नहीं है, लेकिन हमें हमारे जीवन में मानवता का भी मूल्य होना चाहिए। हम वास्तविक जीवन में जो वास्तविक शिक्षा है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है, यह इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ बड़ा होने के कारण हम आधा पाठ पढ़ेंगे और आधा पाठ दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर दृश्य दिया गया है। पहला दृश्य है बाजार का है, नाटक के स्वरूप में पाठ है। पहला दृश्य बाजार का है। बाजार का पर्दा उठता है, कौन में जो लिखा है वह जो भी क्रिया बताई गई है वह उसमें दिखाई गई है। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक आता है, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश। उस बालक का वर्णन किया है कैसा है, तो उसके कंधे पे थैला है और हाथ में ब्रश है। गुड पॉलिश गुड पॉलिश, वहां चिल्लाता है गुड पॉलिश गुड पॉलिश। एक राहगीर से, राहगीर यानी गुस्सा भी, वहां से गुस्सा भी गुजरता है, उसको वह कहता है राहगीर यानी गुस्सा भी। अखबार खरीदने लगते हैं, ऐसी जो खबरें वो बोलता है, तो वह सुनकर
बालक कहता है चल चल उठ यहाँ से। वो बालक बहुत ही नरमता से नहीं बोलता, लेकिन वहां उस चाय वाले से कहता है कि चल चल उठ यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोग जमा रहा है। रोग जमाना यानी हुआ बताओ। वो बालक ऊपर से रोग जमाता है, दोनों लड़ते झगड़ते चले जाते हैं। वो बालक और चाय वाला लड़ते झगड़ते चले जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी यानी वह लाठी जिसे देख कर अपाहिज लोग चलते हैं। अपाहिज यानी वो पैरों से लंगड़ा होता है और वह बैसाखी के सहारे चलते चलते वहां आता है। कटोरे में वह भिखारी होता है और उसके कटोरे में कुछ पकौड़िया अमरूद रोटी के टुकड़े और रेजगारी आती है। रेजगारी यानी छुट्टे पैसे। भिखारी कहता है बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। वहां भिखारी कहता है कि मैं भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा। बरकत यानी फायदा कराएगा, लाभ कराएगा। बरकत यानी फायदा, भगवान आपको बहुत फायदा कराएगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक हाथ में किताबें, एक बालक आता है उसके हाथ में क्या है, किताबें है। परे हट यानी आंखों कस। इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने आ रहा है। वह बच्चा जो है पढ़ने जाता है, वह भिखारी से कहता है कि दूर जा, यहाँ मुझे स्कूल की देरी हो रही है। जेब में हाथ डालकर देरी हो रही यह सामने आ रहा है। वह लड़का जेब में हाथ डालता है और पैसे निकाल कर गिनता है तो, और वह बोलता है कि यहाँ तो पिक्चर की टिकट में भी अठन्नी कम है, तू देगा चल। ऐसा कहकर चला जाता है। वह भिखारी से क्या कहता है कि मेरे पैसे, मेरे पास जो पैसे हैं उसमें पिक्चर की टिकट में अठन्नी कम है, तू देगा क्या। वह भिखारी से भी मांग रहा है। भिखारी कहता है बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ। बेसहारा यानी निसहाय। मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। नीली छतरी वाला यानी भगवान। सबको देने वाला कौन है, नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर कहता है, वह भिखारी से टकरा जाता है और वह भिखारी चीख पड़ता है, नीचे गिरकर चीखता है, हाय रे मेरी टांग टूट गई है, अब क्या करूं। वह भिखारी बोलता है। साइकिल वाला कहता है कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है। जो साइकिल वाला उससे टकराता है वो अपने कपड़े झाड़ना यानी खंखेरना, कपड़ा खंखेरना कैसे, और वह उठता है। वो बालक कहता है अंधा है क्या। वह भिखारी से कहता है कि वह तू अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने मेरे नाक में, इन भिखारियों के मारे नाक में दम कर दिया। स्कूल की देर करवा देगा। नाक में दम करना यानी वह उसे परेशान कर दिया, उसको परीक्षा का